नगर परिषद बद्दी में कुछ दिन पहले उपाध्यक्ष को सरकार द्वारा उनके कार्य में अनियमितता बरतने के चलते बर्खास्त कर दिया था, जिसके चलते नगर परिषद बद्दी में उपाध्यक्ष की कुर्सी खाली हो गई। इस बीच शुक्रवार को नगर परिषद बद्दी में उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव रखा गया, जिसका निर्धारित समय 10:30 बजे का था। 10:30 बजे SDM नालागढ़ दिव्यांशु सिंगल की अगुवाई में चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन चुनाव में कुछ पार्षद अनुपस्थित रहे, जिसके कारण लगभग 1 घंटा उनका इंतजार किया गया, लेकिन उनके न आने पर मोहन लाल को निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया। मुझे इस पद पर ये बिठाया है, ईमानदारी से काम करवाया, वो जो मेरे पिताजी की इच्छा पूरी हुई। नगर परिषद बद्दी में शुरू से ही कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। भाई मदन जी ने लगातार 4 टर्म इन्होंने चेयरमैनशिप की है और क्लीन स्वीप बीजेपी को किया है। नगर परिषद बद्दी के उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव थे, 2 दिवस पहले इसकी फर्स्ट मीटिंग रखी गई थी, परंतु कोरम कम्प्लीट ना होने के कारण उसको 2 दिन के लिए स्थगित किया गया था। तो आज जो सदस्य उपस्थित थे उनकी उपस्थिति में कार्यवाही संपन्न की गई, और आज की मीटिंग में केवल एक ही नामांकन पत्र प्राप्त हुआ, जो कि श्री मोहन लाल जी की तरफ से हुआ था। तो एक ही नामांकन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में श्री मोहन लाल को निर्विरोध नगर परिषद बद्दी का उपाध्यक्ष घोषित किया गया। उज्जवल हिमाचल के लिए बद्दी से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोनी।